रांझी जिहड़े शहीद होए ने परिवार उन्होंने अज जी संगत एड वालों सेवा की गई है नौ परिवारों की बारे थोड़ी जानकारी दें। असी जिहड़ा है संगत एड का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिहड़े साडे भरा शहीद होए ने उन्होंने सरकार ने कोई सुध नहीं ली, सरकार ने उन्होंने वास्ते अज तक दुख प्रकट भी नहीं किया, उन्होंने कोई मदद नहीं की। संगत एड जी है वो जी सेवा कर रहे ने उन्होंने असी अति धन्यवादी हाँ। उन्होंने अज लख लख रुपया उन्होंने परिवारों को दिता है, नौ परिवार साथ इत्थे दो उत्थे दे के उन नौ परिवारों को दिता है ते जिहड़ा जिहड़ा दे जी शहीद होए ने ते असी धन्नवादी हां ते होर भी असी जिहड़ा है हरियाणे दे सारे परिवारों नूं असी आउंदे दिनां दे विच जा के सेवा करनी है उहदे वास्ते वी असी तुहाडा सहयोग चाहांगे। जी बहुत बहुत धन्नवाद, असी तुहाडा हर तरह तों सहयोग करांगे, सगों असी सहयोग की करांगे ते तुहाडा धन्नवाद करांगे। जिहड़ी संगत एड है उह जिहड़ा हर परिवार दे जा के जिहड़ा घर जाके होर अगे वो करनगे ते उन्हां दी घर दी हालत देख के जे कोई ज्यादा कमजोर है उहदा भी जिहड़ा है ये कह रहे ने कि भी जिहड़ा ज्यादा कमजोर है उहदी असीं एडवर्टाइजमेंट भी देवांगे कि होर लोग उहदा सेवा कर सकन। असीं अति धन्नवादी हाँ, ये मानवता की सब तो वड्डी सेवा है, सब तो वड्डी सेवा मानवता की है, असीं बहुत धन्नवादी हाँ। संगत एड यूके वो यहाँ पे आए हुए हैं और वो उन परिवारों की जो है वो थोड़ी सी सेवा करना चाहते हैं, तो मैं बेनती करूंगा कि बाबा जी भी स्टेज पे आ जाएं। और ये राम मेहर जी हैं, राम मेहर गांव दानत तहसील बरवाला हिसार से है, गांव छान, अगर यहाँ है तो स्टेज पे आ जाएं। दूसरा किताब सिंह चहल जी हैं, किताब सिंह चहल गांव उजाना से, तहसील नरवाना से। और तीसरा कमलजीत जी है, कमलजीत आगुवाना से, सिरसा से। ये अगर आए तीनों स्टेज पे आ जाए। जो साथी दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से वापस आ रहे हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग जो बरेली में यहाँ जो ना आते हैं उनको खाने की व्यवस्था यहाँ चली हुई है। इसमें 5100 रुपए बलराज सिंह ये सबरवाड़ इन्होंने 5100 रुपए का दान किया है और 5100 रुपए जाखोद खेड़ा किसान सभा ने दान किया है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। 1100 रुपए छान गांव से जो सरपंच अभी यहां बोल रहे हैं, जिन जो शहीद हुए हैं उनके परिवार ने 1100 रुपए का सहयोग दिया है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। 1000 रुपए हनुमान सिंह सनोत्री दोलूराम जानी हरियाणा रोडवेज से रिटायर हुए, इन्होंने 1000 रुपए का जो ने सहयोग किया है। और 11000 रुपए ग्राम पंचायत असरावा ने यह दान किया है, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। 31000 रुपए बबलू गोदारा समाज सेवी है ये, और इन्होंने 5100 रुपए पहले दिए तो 31000 आज फिर दिया है, जोरदार तालियों से इन सभी का स्वागत। और मैं अब अनुरोध करूंगा आगे का मंच संचालन। मेरे हरियाणा के भाइयों और बहनों, दो मिनट मिले हैं, दो से ज्यादा नहीं लूंगा। मैं आप सबके लिए प्यार लेके आया हूँ, दर्द लेके आया हूँ। 8000-10000 किलोमीटर दूर जो आपके बच्चे बहने आपके बुजुर्ग बैठे हैं, एनआरआई बैठे हैं, उन्हें दर्द है। इस मोर्चे पे जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उनकी सेवा के लिए संगत एड यूके से हम एक एक लाख की सेवा सभी के घरों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये प्यार है, हम जो चला गया उसे वापस नहीं लगा ला सकते, लेकिन ये प्यार बांट रहे हैं, सत्कार बांट रहे हैं। दो मिनट है, कुछ नारे जरूर चाहिए। मैं डासा बॉर्डर पे गया था, बड़ा वहां से प्यार मिला। पंजाब हरियाणा एकता, पंजाब हरियाणा एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। सो ये प्यार जो आपके लिए लेके आए हैं, सत्कार लेके आए हैं संगत एड
जनरेटर चालू करते सुसंगत एड यूके की तरफ से हम यहाँ पहुंचे हैं आपके लिए। काम दिखा दे तो मेरी बहने बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं, सो हम सब एक हैं। जो बाहर विदेशों में हमारे किसान भाई बहन बैठे हैं उनका दिल भी, उनका दिमाग यहीं पे है, किसान मोर्चे में है, वो आपके लिए सेवा भेज रहे हैं, वो आपके लिए ये सारी सेवा भेज रहे हैं ताकि हमारा हौसला बुलंद हो। सर छोटू राम, सर छोटू राम, सर छोटू राम। और एक बात में कहके क्षमा चाहूंगा, हम राकेश टिकैत जी का आभार व्यक्त करते हैं जो उन्होंने उस दिन जो दो आंसू गिरे, मैंने पहले भी बोला था बब्बर शेर की आंखों से दो आंसू गिर के पूरे हरियाणा पंजाब यूपी में सैलाब आ गया। राकेश टिकैत, राकेश टिकैत, राकेश टिकैत। तो हम लड़ेंगे, जीतेंगे और जीत के वापस आएंगे। धन्यवाद स्टेशन के साथ का, थैंक यू। शहीद परिवारों को जो सम्मानित करना है और जो मदद देने के लिए ये इंग्लैंड का संगत ट्रस्ट है, संगत ट्रस्ट यूके और संगत एड ये संस्था है और ये सारी संगत का पैसा है और इसके चेयरमैन है भाई महिंदर सिंह आलूवालिया। और पर उस ट्रस्ट की ओर से हमारे बीच में रणधीर सिंह जी यूके से आए हुए हैं, वो ये मदद देंगे। और सबसे पहले सुरेंद्र सिंह जी, सलोब साधा सिंह, गुमथड़ा गढ़ू जिला कुरुक्षेत्र से, उनका जो भी पारिवारिक मेंबर यहाँ उपस्थित है वो आगे आ जाएगा। गुरलाल सिंह उनका सपुत्र ये मदद लेगा, बाबा जी गुरमीत सिंह जी ये मदद देंगे। उधर क्या दूसरे नंबर पे भाई अमरपाल सलोम महावीर सरदा जिला कैथल से, उस परिवार से जो भी मेंबर यहाँ पर उपस्थित है, अमरपाल महावीर सरदा, आपका शुभ नाम। उनका भाई बलविंदर डुल ये मदद लेने के लिए आया है और बाबा जी को भी सम्मानित किया। चक्कर छोटो बीच वाला उठता हुआ जो भाई का नहीं चलता। इसके बाद भाई राम कुमार सनोब कर्मा गांव बाड़ा जिला कैथल से, राम कुमार सनोब कर्मा गांव बाड़ा जिला कैथल से, वो भाई आगे आ गए। माता जी आप भी आगे आ जाइए, भाई आगे आ जाओ। आगे एक्सेस आगे भाई चौथे नंबर पे है भाई जसप्रीत सिंह सलोब सुखदेव सिंह गांव मस्तगढ़ जिला कैथल से, जसप्रीत सिंह सलोब सुखदेव सिंह। इससे आगे ठंडिया सनोब भगवाना गांव किठाना जिला कैथल से, वो भी जा रहे हैं। आप आगे मस्तगढ़ से ये इकलौता बड़ा नौजवान 20-21 साल का नौजवान इस आंदोलन में शहीद हुआ है, उनके पिताजी हैं। तो
ये तो एक मदद है पर अरबों खरबों का खजाना चला गया इस तरह। ठंडिया सलोप भगवाना गांव पिछाड़ा जिला कैथड़ आए हुए तो भाई आज नजदीक है, नहीं तो इसके बाद बलदेव सिंह गांव बाना जिला कैथड़ से बलदेव सिंह भाई ओम प्रकाश जी जो ठंडिया राम गांव पिछाड़ा जिला कैथड़ से शहीद हुए हैं उनकी मदद लेने आए हैं। इसके बाद भाई बलदेव सिंह गांव भाणा जिला कैथड़ से इसके बाद आखिरी सातवें नंबर पर अजय डुल सनोब जयपाल गांव पाई जिला कैथड़ से छह हो गए। इस समय हम मौजूद हैं गांव थाना के टोल प्लाजा पर जहां पर किसानों का धरना पिछले 40 दिनों से लगातार चल रहा है। आज हजारों की संख्या में यहां किसान पहुंचे हुए हैं क्योंकि आज भारतीय किसान यूनियन एक परिवार यहां उपस्थित नहीं है, किसानों को संबोधित करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। यहां से हम लाइव तस्वीरें देश विदेश के पंजाब केसरी के दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा हजारों की संख्या में किसान अपने नेता के विचार सुनने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। हालांकि अभी प्रेम सिंह यहाँ नहीं पहुँचे लेकिन उनसे पहले एक शहर